फ्रेंड्स, कैसे आओ? अंकिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबुदाना वड़ा। वड़ा बनाने के लिए हमारे मसाले जो हमें मिक्स करना है, ये हमारी नींबू और ये हमारा सेंधा नमक, धनिया की पत्ती हमने बारीक काट लिया है। ये हमारा साबुदाना जिसको हमने अच्छे से धुल के भिगो लिया था 1 से 2 घंटे, और इसे पानी निचोड़ के आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। और ये हमारा आलू जिसको हमें अच्छे से क्रश करना है। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए बॉयल आलू को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। बड़ा बनाने के लिए हमने आलू को अच्छे से क्रश कर लिया और इसी में हम मिक्स कर देंगे अपना साबुदाना। बड़ा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे अपना नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अदरक जो अच्छे से क्रश कर लिए, हरी मिर्च, हमारा जीरा, इससे टेस्ट अच्छा आता है, ये हमारी काली मिर्च, थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे नींबू, और इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया पत्ता। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने करी पत्ते को इसमें अच्छे से तोड़ के डाल देंगे। अपनी कढ़ाई को उस गर्म करने के लिए रख देंगे, साथ ही इसमें तेल भी डाल देंगे ताकि ये गर्म होता रहे। देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से रेडी कर लिया है, गूंथ के सबको अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए हाथों पर हल्का सा हम तेल लगा लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े से तोड़ के अच्छे से राउंड राउंड ऐसे करके वो फुल सारी हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये करके हम सारी टिक्कियों को बना के रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। ये देखने के लिए हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं ऊपर आने लगा, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। थोड़ा साबुदाना बड़ा इसमें ऐसे डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और एक बार में हम उतना ही डालेंगे जितना अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चिपकने लगता है। तब अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता नीचे की तरफ, तब तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। साबुदाना बड़ा बनाने के लिए हम इसे बड़ा की तरह बनाने के लिए इसे गोल सा बना लेंगे, और इसे हम अप्पम वाली कढ़ाई में भी इसे अच्छे से सेक सकते हैं जिससे तेल और घी हमें कम लगे और नुकसान भी ना करें। देख सकते हैं हमारा साबुदाना बड़ा अच्छे से हल्का गोल्डन हो गया है। और अब इसे ऐसे ही करके सब हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, वैसे आप इसे अप्पम वाले में भी बना सकते हैं। मैंने अभी भी बताया था आपको, हाथ से इसे गोल सा बड़ा की तरह बना के और इसे अप्पम वाले में भी कम तेल में बना सकते हैं। जो लोग ज़्यादा तेल नहीं खाते वो इसे अच्छा से हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। और अब हम इसे ऐसे ही करके थोड़ी देर करके इसे निकाल लेंगे। और अब इसे एक एक करके हम ऐसे ही निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, कितना क्रिस्पी लग रहा है ना, कितना फुला फुला हुआ है। साबुदाना बड़ा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में, और ये फलाहार के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। आप इसे स्नैक्स में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, अगर आप बिना व्रत के भी बना रहे हैं इसमें और सारे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्च है, मसाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप व्रत में नहीं यूज करते, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये करके हम सेकेंड बैच भी इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये भी हल्का हल्का होने लगा है, और थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं होगा तब तक हम नहीं पलटेंगे, नहीं तो चिपक जाएगा। करके सेकंड बैच को हम अच्छे से पलट देंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो गया है। थोड़ी देर इसे हम और पका लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से अभी अच्छे से हुआ नहीं है, देखो आप। थोड़ी देर हम इसे और पका लेंगे ताकि अच्छे से और थोड़ा ब्राउन हो जाए। ऐसे ही करके अब सबको हम अच्छे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। सकते हमने अपने सारे बड़ा को बना के अच्छे से रेडी कर लिया, सबको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब चलिए अब इसको सर्व करते हैं। अपने बड़ा को बना के रेडी कर लिया। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कम टाइम में बन जाता है, और फलाहार में खाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि चटपटा लगता है। आप इसे मूंगफली की चटनी के साथ या धनिया की पत्ती या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं जो फलाहारी हो। हमने फलाहारी बनाया है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।